यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, 9 में से 7 पर ऐलान। अखिलेश की करहल सीट पर यादव बनाम यादव का मुकाबला, समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव के खिलाफ बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा। सीसामऊ और मीरापुर से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, इन दो सीटों पर सहयोगी दल दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन साइकिल निशान पर लड़ेंगे उम्मीदवार, अखिलेश ने जारी की राहुल संग तस्वीर। तस्वीर के साथ अखिलेश लिखा, हमने ये थाना है, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अखिलेश ने जारी की तस्वीर, बीजेपी ने चुटकी ली, बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ठग ने महाठग को ठग लिया। प्रियंका गांधी उनके पति के पास 78 करोड़ की संपत्ति, वायनाड में पर्चा भरने के बाद एफिडेविट में चल अचल संपत्ति का किया गया जिक्र। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी का करारा प्रहार, कहा शिमला में इनका एक बड़ा घर है, रॉबर्ट वाड्रा की अघोषित संपत्ति कम है। प्रियंका वाड्रा के नामांकन पर बीजेपी का आक्रमण, पर्चा दाखिल करते वक्त खड़गे के बाहर होने पर उठाए सवाल। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खिलाफ दर्ज हुआ आय से अधिक संपत्ति का मामला, जांच जारी। बिहार में तेजस्वी जेडीयू में जुबानी जंग, बोले नीतीश को बीजेपी ने किया है हाईजैक। तेजस्वी के हाईजैक वाले बयान पर बीजेपी ने तेजस्वी से पूछा कि लालू यादव को किसने किया हाईजैक। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी ने बड़े भाई का खत्म कर दिया करियर। बिहार में हाईजैक पॉलिटिक्स, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, तेजस्वी ने बिल्कुल सही बात कही है, नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। हिंदू रहेगा तो झारखंड रहेगा, असम के सीएम हेमंत शर्मा के इस बयान पर आग बबूला जेडीयू। अनवर खालिद बोले, ऐसे लोगों को बेलगाम छोड़कर देश को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। जेडीयू ने बीजेपी नेता हेमंत शर्मा पर लगाया संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप, कहा इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ने जेडीयू पर की ट्वीट पर कसा तंज, जेडीयू का फुल फॉर्म बताया, कहा दारू अनलिमिटेड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल किया। झारखंड उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने गांडेय सीट से किया नामांकन। सजा पाए हुए एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कानपुर में रोते हुए एसपी प्रत्याशी का कराया नामांकन। मुंबई के वर्ली में रोड शो के बाद आदित्य ठाकरे का नामांकन, वर्ली सीट से लड़ेंगे आदित्य ठाकरे। महाविकास अघाड़ी का दावा, 270 सीटों पर बनी सहमति, इनमें 85 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा, बाकी 18 सीटों पर जल्द फैसला, गठबंधन के कुछ दलों को भी मिलेंगी सीटें। महाराष्ट्र में एनसीपी के 38 उम्मीदवारों की जारी की गई पहली लिस्ट, बारामती से लड़ेंगे पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार। एनसीपी ने अपने 95% मौजूदा विधायकों को थमाया टिकट, नवाब मलिक और सना मलिक को नहीं बनाया उम्मीदवार। महाराष्ट्र में एमएनएस की तीसरी लिस्ट जारी, 13 प्रत्याशियों के नाम शामिल। पार्टी ने शहादा विधानसभा सीट से आत्माराम प्रधान, वडाला से स्नेहल जाधव को बनाया उम्मीदवार। कुल्ला से प्रदीप वाघमारे, ओबला मजिबडा से संदीप पांचके, गोंदिया से सुरेश चौधरी को मिला टिकट। आज दिल्ली में होंगे एक चांस चंदेर, सीटों को लेकर फाइनल बंटवारे के लिए अमित शाह से होगी मुलाकात, मायावती में अब तक नहीं पूरा हुआ है सीट बंटवारा। आशरद पवार गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कौन करेगा घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल, इस पर आ सकता है फैसला। दिल्ली बेहद खराब स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेवल पहुंचा 354 के करीब। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई लेवल 417 तक पहुंचा, आनंद विहार का एक्यूआई लेवल 402। दिल्ली में प्रदूषण की मार, एक्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, लोधी रोड से सामने आई तस्वीर। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल को यमुना में नहाने बीजेपी की चुनौती, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना लगाई डुबकी। दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के एक और कदम, बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क दोगुना किया। गाजियाबाद में बिरगी स्मॉग की चादर, दिन में लाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखाई दिए लोग। प्रदूषण को देखते सुबह शाम के वक्त लोगों को बाहर न जाने की सलाह, दिल और सांस के मरीज रखे खास ख्याल। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कल सुप्रीम कोर्ट हुआ था आग बबूला, कहा कोई भी पक्ष खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
हरियाणा पंजाब में लगातार किसान पराली जलाते दिखाई दिए। चुनौतियों को समझने के लिए अधिकारियों ने की किसानों से बातचीत। वायु प्रदूषण में हो रही बढ़ोतरी से हरियाणा के करनाल में पराली जलाने के सामने आई तस्वीर। पराली जलाने के बाद दिखा काला घना धुआं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना की 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा के तट से हो सकती है टक्कर। केंद्रपाड़ा में अभी से बारिश शुरू। बंगाल के काकद्वीप पे तूफान दाना से निपटने की तैयारी जारी। एसडीओ दफ्तर को बनाया गया कंट्रोल रूम। बंगाल से चलने वाली 152 ट्रेनों को किया गया रद्द। तूफान दाना से होने वाले असर को देखते हुए रेलवे का फैसला। दक्षिण बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें, कोलकाता में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर। ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा में 25 अक्टूबर, बंगाल को 23 से 26 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल। सेना, कोस्टगार्ड और नेवी को भी चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए किया गया अलर्ट। रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द। कई राज्यों में दिखेगा तूफान दाना का असर। ओडिशा और बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग की चेतावनी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार। हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेज। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने की लोगों को सतर्क रहने की अपील। सोशल मीडिया पर लिखा, बंगाल एकजुट रहेगा, भारत एकजुट रहेगा, हम जीतेंगे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी से आई तस्वीर। केलावारा पल्ली डैम के पास ये नदी के साथ जहरीले झाग की तस्वीर है। शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्र ढींगरा को मिला ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। ढींगरा ने कहा, यह अवार्ड उन सभी शिक्षकों और छात्रों का है जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान बनाने में सहयोग किया। दिल्ली में शहीद नानक सिंह फाउंडेशन ने इंडिया यूएसए रिलेशनशिप पर कार्यक्रम आयोजित किया। लॉर्ड रामी रेंजर के नेतृत्व में भारत अमेरिका की द्विपक्षीय वैश्विक प्रभाव की गहन चर्चा हुई। हेल्थ सेक्टर में बड़ा आविष्कार, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया टीबी चेक करने का पोर्टेबल डिवाइस। एक क्विंटल मशीन का काम करेगा 4 किलो का डिवाइस, कुछ ही देर में निकालेगा 100 एक्सरे। दिवाली पर सोने चांदी डायमंड की डिमांड बढ़ी, इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा में किसान किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपना 50वें शोरूम की शुरुआत। कांचीपुरम में राज परिवहन निगम डिपो के पास एक कार में लगी आग। सड़क पर आग का गोला बनी कार, मशक्कत के बाद बुझी आग। बारामूला में अदालत परिसर के अंदर हुआ ब्लास्ट, कोर्ट में ग्रेनेड फटने से ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी घायल। अयोध्या में परिवार और साधु में आपस में जमकर हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। मऊ में मुख्तार अंसारी करीबी के लगभग 2 करोड़ रूपये की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। गैंगस्टर सहित कई मुकदमों में शामिल अपराधी जेल में है बंद। जमुई में बदमाशों ने निर्धारित स्कूल में शिक्षकों पर किया हमला, बदमाशों ने लाठी डंडे से जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीटा। जम्मू कश्मीर के निशाने पर गैर कश्मीरी लोग, गांधरबल के बाद त्राल में यूपी में रहने वाले शख्स को मारी गई गोली, घायल अवस्था में पहुंचा अस्पताल। पुलवामा में अज्ञात आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के मजदूर प्रीतम सिंह को मारी गोली, मामले की जांच जारी। बैतूल में एम्बुलेंस में मरीज की झाड़फूंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले का प्रशासन ने लिया संज्ञान। हापुड़ में जहरीले सांप के काटने से मां बेटा बेटी की मौत, गांव में मचा हड़कंप। राजस्थान के सिरोही में अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई कार, 5 की मौत। सीहोर में इंदौर भोपाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बस खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसे में 1 की मौत, 15 से 20 लोग घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। महादेवपुरा में एक इमारत के अंदर खोदे गए गड्ढे में गिरा 5 साल का बच्चा, मौके पर गई जान। नागपुर में चलती कार धू धू कर चलती दिखाई दी, दमकल विभाग ने मौके पर आग पर पाया काबू। नागपुर पुलिस लगभग 8 लाख रुपए नकद किए बरामद, चुनाव आचार संहिता के दौरान पुलिस की कार्रवाई। अयोध्या के एडीएम सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का बंडाफोड़, अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, कई बने अधबने तमंचे और पिस्तल बरामद, एनआईए ने भेजा था जेल। सूरत में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, हिंदू बनकर मुस्लिम व्यक्ति ने की 72 लाख की धोखाधड़ी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस से पति के सामना होने पर नवविवाहिता ने फांस लगाकर दी जान, 4 महीने पहले हुई थी शादी, छानबीन में जुट गई है पुलिस। सूरत में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, बीच बचाव करने गए युवक का बदमाशों ने काटा हाथ, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पानी की टंकी ढहने से 3 की मौत, 7 घायल। कानपुर में सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत, थाने में तैनात थे सब इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा।
अमृतसर के सठियाल में पूर्व सरपंच के पति की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या। कानपुर में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाली नाबालिग के साथ किया रेप, पीड़िता को नशे की दवाइयां देकर आरोपी डॉक्टर करता था दुष्कर्म। यूपी के फतेहपुर से लव जिहाद का मामला आया सामने, नाम बदलकर युवक ने युवती से किया प्रेम विवाह, गौ मांस खाने और धर्म परिवर्तन के लिए बना रहा था दबाव। कानपुर की सड़कों पर बेखौफ युवक का वीडियो वायरल, डेढ़ दर्जन बाइक के साथ 50 लोगों का बाइक पर बवाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीएड शिक्षकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व एमएलए सरकार कौर को ड्रग्स केस में किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन जब्त। बंगाल के मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज में मछुआरों से भरी नाव नदी में पलटी, 8 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, आग बुझाने के में दमकल की 10 गाड़ियों का इस्तेमाल। पुणे टेस्ट में अश्विन ने दिलाई टीम इंडिया को दूसरी सफलता, सुंदर ने रचिन के बाद लंडेल को बोल्ड किया, स्कोर 200 के पार। भारत न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट, कीवियों का दूसरा विकेट गिरा, अश्विन ने लीथम के बाद यंग को पवेलियन लौट आया। मीरपुर टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता मैच, बांग्लादेश की दूसरी पारी 307 रन पर सिमटी, रबाडा को मैच में 9 विकेट। टी20 में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे ने जाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाए, 290 रन से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पंच छठे स्थान पर पहुंचे, टॉप 10 में विराट और जायसवाल, बॉलर्स रैंकिंग बुमराह नंबर 1 पर बरकरार। मल्लिका शेरावत बना रही अपना 48वां जन्मदिन, एक्ट्रेस ने बताया मूवी पोस्टर के नाते विवादों से में रही है। नीना गुप्ता अपने करियर के शुरुआती दिनों में कैफे में करती थी काम, तब उनका बॉयफ्रेंड उन्हीं से पैसे लेता था। रॉकिंग स्टार यश डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण को निभाने वाले हैं रावण का किरदार, फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी आने वाली है नजर। स्वीडन में भारत के अम्बेसडर बनाई गई आईएफएस डॉक्टर नीना मल्होत्रा। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने से कई लोग बीमार, क्वार्टर पाउंड से जुड़ा है कोली संक्रमण से जुड़ा मामला, एक की मौत की खबर।